हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्पोर्ट 11। और फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं एडलाइट स्ट्राइकर और फ्रेंड्स यहां से सिडनी थंडर के बीच में जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वोमेन बिगवेस लीग का। तो फ्रेंड्स यहां से दोनों टीमों की तरफ से कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एकात्री में आपको रिचल हाइनेस की बहुत बड़ी न्यूज़ यदि मिल गई है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं मिली तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है। उससे फ्रेंड्स आप मैं साथ में ये भी दिखाने वाला हूँ क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का, तीन तीन मैचेस खेले हैं, सारा परफॉर्मेंस लेके आए इस वीडियो में आपके लिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उससे हमारे YouTube पे आगे आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं जो अगला मैच खेला जाएगा वोमेन बिगवेस लीग का। फ्रेंड्स इस मैच में बहुत से चेंजेस हैं, यहाँ पर कोशिश करिएगा कम इन्वेस्टमेंट करने का, या तो आप मैचेस को यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं, मत खेलिए यहाँ पर। यदि आप कन्फर्म न्यूज ले पाते तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा एक से डेढ़ घंटे पहले आप तक न्यूज़ ला सके दे सकूँ सारे वीडियोज़ में। और फ्रेंड्स यहाँ पर बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख लीजिए 14 मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ये वोमेन बिगवेस लीग का। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए यहाँ पे एवरेज इनिंग स्कोर के हिसाब से आप समझ लेना फ्रेंड्स यहाँ से ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए स्क्वाड देख लेना दोनों टीमों का। बाकी देखिए एडलाइट स्ट्राइकर की तरफ से यहाँ पर ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, हालाँकि यहाँ पर देखिए सवंदा बेट्स ये जो प्लेयर हैं इनको वापस ला सकती है टीम। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए तबाता सिलावे इनको चाहे तो रिप्लेस कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए बात करते हैं और किसी प्लेयर की, तो यहाँ पे सिडनी थंडर की तरफ से जो है फ्रेंड्स 13 मेंबर का स्क्वाड है और रिचल हाइनेस का बहुत बड़ा न्यूज़ है जो मैं आपको बोल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टेड है नेक्स्ट 2 मैचेस के लिए। तो फ्रेंड्स इस मैच में तो आपने पिक नहीं करना है और आगे आने वाले मैचेस में मैं आपको खुद ही बता दूंगा। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए और जो प्लेयर हैं 2 प्लेयर यहाँ पे इनको रिप्लेस करने वाले हैं, या तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन मैन है और फ्रेंड्स यहाँ पे सोल ले ये ऑलराउंडर हैं। इन दोनों में से फ्रेंड्स कोई सा भी प्लेयर यहां पे खेलने वाला है तो ग्रैंड लीग में अपना ट्राई करना आप कर सकते हैं। यहां पे देखिए बात करते हैं पैट्स के साथ यहां पर स्टम्पनी टेलर शायद से आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाए इस मैच में, और कोई न्यूज यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखिए परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहां पर क्या परफॉर्मेंस दिया सिडनी थंडर के प्लेयरों ने। तो हाइनेस यहां पर नहीं खेलेगी, हालांकि इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप तीनों मैचेस का। इसके बाद देखिए पैट्स का कुछ खास परफॉर्मेंस रहा, लास्ट मैचेस में 49 रन की पारी खेली इन्होंने। इसके बाद देखिए हरमनप्रीत कौर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है, 6 रन की पारी खेली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करते हैं एक विकेट भी लिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं नियोमी का। तो तीनों मैचेस का परफॉर्मेंस इनका भी देख लीजिए आप, एलेक्स ब्रेक्सवेल का देख लीजिए 33 रन बनाए हैं, नॉट आउट रही थी। यहाँ पे देखिए स्टम्पनी टेलर ने 3 विकेट निकाले, उसके पहले 2 विकेट निकाले हैं, हालांकि बैटिंग से कुछ नहीं कर पाई थी। इसके बाद समंदा बेट्स ने 2 विकेट निकाले हैं और यहाँ पर निकोलस केरी को विकेट नहीं मिला। इनकी बैटिंग देख सकते हैं 6 रन इन्होंने बनाए थे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेकंड मैच की बैटिंग है ये इनकी, और यहाँ पर फेरल ने 33 रन बनाया सेकंड मैच, लास्ट में इनको विकेट नहीं मिला। यहां पे देखिए मेरी गिब्सन ने 3 विकेट निकाले हैं और फ्रेंड्स यहां से देखिए विलिंडा को कोई विकेट नहीं मिला। तो ये पॉसिबल 11 मेरे हिसाब से रहेगी। आप चेंजेस जो होने वाला है वो रिचल हाइनेस को लेके है, जो 2 प्लेयर मैंने आपको बता दिए वो भी अभी ड्रीम 11 पर टीम बनाते समय वहां भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पे देखिए बात करते हैं एडलाइट स्ट्राइकर की तरफ से, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से बेट्स ने 12 रन बनाए थे। इनकी फ्रेंड्स लास्ट जो मैच हुआ था वो नहीं हो पाया था, आपको पता होगा 3-4 प्लेयर की बैटिंग आई थी जिसके ये दोनों प्लेयर नॉट आउट रहे थे। यहाँ पे मात्र डिवाइन ने 13 रन बनाए थे, इनकी बॉलें आई थी तो बॉलिंग का मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा हूँ। लास्ट मैच में यहाँ से एलेक्स पाइस ने 1 विकेट लिया था और फ्रेंड्स यहाँ से क्लोटे ने 1 विकेट लिया था, 2 विकेट मेगन शूट ने लिए थे और फ्रेंड्स यहाँ से वेलिंगटन को कोई विकेट नहीं मिला था और किसी को कोई विकेट नहीं मिला था। इतनी मात्र इनकी बॉलिंग थी और 3-4 प्लेयर बैटिंग किया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद इनका मैच नहीं हुआ था, किसी की बैटिंग नहीं आई थी और फ्रेंड्स जो न्यूज़ है वो इनको लेके है जो टीम में वापस आ सकती हैं वो भी यहाँ पे तबाता की जगह। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखना है, ग्रैंड लीग में आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपने खेलना है सेफ खेलना है तो आप वहाँ भी खेल सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी दिखाई दे रहा हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको साइनअप करना होगा लीगएक्स पे इस रेफरल कोड के साथ में, जहाँ पे आपको 25 रुपये कैश बोनस मिल जाएगा। लीगएक्स तरफ से 200 रुपये तक कैश बोनस मिलता है फ्रेंड्स। टॉस होने के बाद में आप यहाँ पे अपनी टीम को लास्ट तक एडिट कर पाते हैं, आपका कोई प्लेयर यहाँ पे मिस नहीं होगा। आप देखिए हालाप्ले पर साइनअप करिए इस रेफरल कोड के साथ में, यहाँ आपको दोनों टीमों का प्लेइंग 11 पता चल जाएगा टॉस होने के बाद में। फ्रेंड्स साथ में मिलेगा 100 रुपये कैश बोनस जो कि आप 100% यूज़ कर पाएंगे किसी भी लीग में। तो फ्रेंड्स दोनों साइडों पर आपने बगैर कैसे एड करके फ्रेंड्स यहाँ पर खेलना है, आप यहाँ पर अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे प्लेयर कभी भी मिस नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक दे दूंगा, साथ में दे दूंगा रेफरल कोड, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से जरूर साइनअप कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए विकेट कीपिंग की बात करते हैं, उससे पहले मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया है, आप अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हैं। बाकी देखिए आपके पास टेगन है और फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास ऑप्शन है ए पैरेट्स का ऑप्शन है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट और सेफ प्लेयर है, आप इनको जरूर पिक करिएगा। बाकी देखिए बात करते हैं यहाँ पर सूजी बेट्स को आप ले सकते हैं, आप फ्रेंड्स चाहे तो सूजी बेट्स को यहाँ पर ड्रॉप करके थोड़ा सा अच्छा भी कर सकते हैं क्योंकि बाकी प्लेयरों को आपने यहाँ पर क्रेडिट मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हरमनप्रीत कौर है हाइनिस नहीं खेलने वाली, आप यहाँ पर ब्रेसवेल को पिक कर पाएंगे। और बाकी देखिए यहां से पैटरसन को आप ले सकते हैं, आप नियोमी को ले सकते हैं और इनका मैंने आपको बता दिया रिस्की रहने वाला है तवाथा का, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान देना पिक करते समय। इसके अलावा देखिए फिलहाल बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो देखिए सूफी डिवाइन स्टपनी टेलर और फ्रेंड्स यहां से देखिए आपके पास ताइला का ऑप्शन बहुत शानदार रहने वाला है, आपने लेना तो एवेंड आपके लिए एकदम सेव ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से बिल्कुल पिक कर लीजिए। निकोला केरी आपको खेलते हुए मिलने वाले हैं, आप इनको भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ये ऑलराउंडर सेक्शन में है जो कि फ्रेंड्स हाइनिस की जगह आ सकती है, इनके चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। बाकी देखिए एक जो और प्लेयर सेकंड प्लेयर है जो मैंने आपको बोला था वो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 8 क्रेडिट में अवेलेबल है, तो चाहे तो आप ग्रैंड लीग में एक आध टीम में ट्राई करिएगा यदि 3-4 आप टीम बनाते हैं तो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से और आपको जो प्लेयर हैं वो आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले हैं जो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया हूँ। बाकी देखिए यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स मेघराज को इधर से पिक करूंगा और आपने किसी और को पिक करना है आप कर लीजिए अपनी मर्जी के हिसाब से। यहाँ पर देखिए मेगन सूट को आपने पिक करना है, बहुत शानदार प्लेयर हैं और इनको जरूर पिक करिएगा, आपको क्रेडिट मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करना होगा आपको। बाकी देखिए आपने चाहिए यहाँ पर बेट्स को तो आप इनको ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते क्लोटे को डेनियल हेजल को, तो तीनों प्लेयर को आप बिल्कुल पिक कर लीजिए। सेविंग गिब्सन को मैं यहाँ से पिक करूँगा और फ्रेंड्स यहाँ से एलेक्स बाइस का ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इनको बिल्कुल पिक कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास बेट्स को ग्रैंड लीग में ट्राई करने का ऑप्शन है, आप इनको चाहे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखिए आपके पास विलिंडा का ऑप्शन है, आप चाहे तो इनको पिक कर लीजिएगा। यहां से देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं बैटिंग में, तो आपके पास यहाँ पे न्यूमे का ऑप्शन बचता है, आप चाहे तो इनको पिक करिएगा। इसके बाद आपके पास बचेगा 8 क्रेडिट, तो 8 क्रेडिट में फ्रेंड्स आप यहाँ पे आके एमेंडा को यहाँ से बेलेंडा को ले सकते हैं, तो ये आपने चॉइस रहनी है आपने किनको पिक करना है किनको नहीं का पिक करना है। बाकी ग्रैंड लीग में आप ट्राई करते हैं तो आप यहाँ पर वेट्स को ट्राई कर सकते हैं, चांसेस हैं फ्रेंड्स यदि आते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। बाकी देखिए ये आपकी टीम रह सकती है, आप इस टीम के साथ खेलिएगा, मेरे हिसाब से एकदम सेफ टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बात करते तो ये इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाली है आपके पास, आप इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन चुनिएगा और मेरे हिसाब से यही आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहने वाला है। आप चाहें तो यहां पे देखिए टेलर के साथ कैप्टन जाइएगा, आप यहां पे कौर के साथ वाइस कैप्टन जाइएगा क्योंकि कौर भी आपने पता है बॉलें कराती हैं। और फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप सूफी डिवाइन को मत भूलिएगा, बहुत शानदार ऑलराउंडर है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में से आप तीनों में से किसी के साथ भी जाइएगा, अब मेरे हिसाब से आपको यहीं से अच्छा विनिंग हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही रहने वाले हैं। बाकी देखिए ग्रैंड लीग में आपने ट्राई करना, 3-4 ऑप्शन आपको दिया हूं, आप उन्हीं में से ट्राई कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए एक आधिक टीम में यदि आपने लगता है कि आपको यहां पे सूजी बेट्स को ड्रॉप करना बहुत हो जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए आपने वहां से पिक करना होगा, आप कुछ इस प्रकार भी पिक कर पाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपने देखना इधर से आपने मेगन सूट को छोड़ना पड़ेगा और फ्रेंड्स इधर से आपने लेना होगा एलेक्स पाइस को, ये आपने फ्रेंड्स यहाँ पे बॉलर पिक करने होंगे। उसके बाद विकेट्स कीपर में जाइएगा, फिर इधर से फ्रेंड्स यहाँ पे आपने लेना होगा टेकन को, आप इनको पिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखना इधर से आपके पास 2 क्रेडिट बच जाएगा, आप यहाँ से 8.5 का कोई सा भी एक आप चाहे तो नियोमी को ड्रॉप कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से पैटरसन को ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी को ड्रॉप करके यहाँ पे सूजी बेट्स को ले सकते हैं, तो ये आपकी टीम ये भी रह सकती है, आपको चाहिए तो आप इस टीम के भी खेल सकते हैं। बाकी मुझे मेगन सूट को लेना था इसलिए मैंने यहाँ पे सूजी बेट्स को ड्रॉप किया था, आपको चाहिए तो आप इस टीम के साथ खेल लीजिएगा। अभी आपके पास 4 ऑप्शन हो गए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो कि बहुत शानदार ऑप्शन है, आप इन्हीं में से अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपने थोड़ा सा चेंजेस किया है, बाकी आप देख लेना यदि आपने उस टीम के साथ खेला है तो आप वो कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, बाकी ये भी आप रख सकते हैं, ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए एकदम सेफ कॉम्बिनेशन रहने वाला है। आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनके साथ जाएगा या आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनके साथ जाएगा, आपको चाहिए तो आप इस प्रकार भी जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रह सकता है, आपकी मर्जी है, आप जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहें बनाइएगा। इन चारों में से बहुत शानदार प्लेयर है, यहां से आपको विनिंग करवा देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में जाते जाते आपने एक लाइक नहीं किया तो जाते जाते एक लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही परफॉर्मेंस के साथ में मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं जो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको उसका फायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।